और अभी गेम खबर, रायपुर में सीएम विष्णुदेव असाय हरियाणा रवाना हो गए हैं। नायब सिंह सैनी का आज शपथ ग्रहण समारोह, इसमें शामिल होंगे विष्णुदेव साय। डिप्टी सीएम अरुण साव भी सीएम के साथ मौजूद हैं। डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी सीएम के साथ हरियाणा जा रहे हैं, आज शपथ ले रहे हैं नायब सिंह सैनी, और उसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री पहुँचेंगे। इसी क्रम में विष्णुदेव साय हरियाणा के लिए रवाना हो गए हैं, साथ ही उनके साथ डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी मौजूद हैं। तो नायब सिंह सैनी आज लेंगे सीएम पद की शपथ, और आपको ये भी बता दें कि पीएम मोदी और अमित शाह भी इसमें मौजूद रहेंगे। करीब इस कार्यक्रम में 50,000 लोगों के पहुंचने की संभावना है। विष्णुदेव साय रवाना हो चुके हैं हरियाणा के लिए, डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी शपथ। हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद का, और शपथ ग्रहण समारोह में हम लोग शामिल होने जा रहे हैं। हम जा रहे हैं, हमारे साथ हमारे दोनों डिप्टी सीएम साहब जा रहे हैं, आदरणीय श्री अरुण साहु जी, आदरणीय श्री विजय शर्मा जी, और शपथ ग्रहण के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बैठक भी। सर, रायगढ़ दक्षिण चुनाव की घोषणा हो चुकी है, किस तरह देख रहे हैं, कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं आप? अब चैलेंज तो हम लोग मान के ही चल रहे हैं, कहे कि सामने वाले को कमजोर नहीं समझना चाहिए, लेकिन वो सीट भारतीय जनता पार्टी की है। अभी जो लोकप्रिय सांसद हैं बृजमोहन जी, लगातार उस सीट से 8 बार विजयी हुए हैं, और पिछले बार के विधानसभा चुनाव में करीब 65,000 मतों से विजयी हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी वहां से जीती है। हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद का, और शपथ ग्रहण समारोह में हम लोग शामिल होने जा रहे हैं। जुल्फिकार अली इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। हरियाणा में लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। जुल्फिकार, दूसरी बार ये है जब नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, तो विष्णुदेव साय तो पहुंच ही रहे हैं, डिप्टी सीएम भी उनके साथ निकल रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा अचीवमेंट है कि हरियाणा में तीसरी बार सरकार बीजेपी की बन रही है। हालांकि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व में मुख्यमंत्री थे नायब सिंह सैनी, वो दोबारा वहां पे शपथ लेंगे। इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के देश भर के जो बड़े लीडर्स हैं वो इसमें शिरकत कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, ये 3 लोग हरियाणा के लिए रवाना हो चुके हैं और वहाँ शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। जैसा कि विष्णुदेव साय ने बोला कि इस शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी उनकी बैठक होनी है, छत्तीसगढ़ के मसलों पर चर्चा हो सकती है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी अब देखें कि जिस तरीके से महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की घोषणा हुई है, तो छत्तीसगढ़ में भी रायपुर दक्षिण विधानसभा में उपचुनाव होना है, तो ये कई सारे मसले हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से छत्तीसगढ़ के अलग अलग विषयों पर चर्चा हो सकती है, जैसा कि उन्होंने बताया है। तो ये काफी महत्वपूर्ण दौरा हो जाता है। शपथ ग्रहण में तो जाना था, लेकिन प्रधानमंत्री से मुलाकात होना छत्तीसगढ़ के लिहाज से, छत्तीसगढ़ के जो पॉलिसीज हैं, छत्तीसगढ़ में जो सरकार काम कर रही है, उन सब बातों पर चर्चा हो सकती है। जुल्फिकार, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।